आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग अपना एक हेडर फाइल बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे ही आप मान लीजिए सपोज करते हैं अपना एक सी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक, तो आपको पता है कि आप एक पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं ऐसे, एक हेडर फाइल है, ठीक, ये जो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच है, एक हेडर फाइल है। डॉट एच मतलब डॉट एच का मतलब एक हेडर फाइल है। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें आपका प्रिंट एफ और स्कैन एफ का फंक्शन लिखा रहता है। सपोज कर दूंगा, सपोज इंट मैन लिखे यहाँ पे एक प्रिंट एफ, हेलो वर्ल्ड, ठीक, सपोज करते हैं ये हमने एक प्रोग्राम बनाया हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इंट मेन में प्रिंट एफ लगा दिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिए। ये एक बेसिक सा सी कोड का स्ट्रक्चर है, ठीक, इसको जरा रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक। अब यही काम को जरा इसको हम कमेंट करते हैं, ठीक, इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ में एरर आ गया है, ठीक, ये दे रहा है कि इसको इंक्लूड करना है। मतलब एरर क्यों आया है, मतलब कि जो प्रिंट एफ का एक फंक्शन है, जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो stdio डॉट एच लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में मेरा मेन टॉपिक यही है कि मान लीजिए सपोज करते हैं ये तो इनबिल्ट आता है, ठीक, हम लोग अपना कैसे हेडर फाइल बना सकते हैं। दो तरीके से बताना सिखाऊंगा मैं आपको, दो तरीका है, जिसमें पहला तरीका है कि आप जैसे लिखेंगे, मान सपोज करते हैं आप इंक्लूड हेलो वर्ल्ड डॉट एच, एक ऐसे लिखिएगा और दूसरा एक ऐसे लिखिएगा, इंक्लूड स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट एच। ये दोनों लाइन का मतलब क्या है, ये जो पहला लाइन है ना हैश इंक्लूड हेलो वर्ल्ड डॉट एच, ये आपका लाइब्रेरी में मतलब कि जहां पर आप मिनजी डब्ल्यू इंस्टॉल किए होंगे वहां पर लिखा हुआ, और ये डॉट एच है ये आपका यहीं पर लिखा रहेगा जिस फोल्डर में आप इसको ओपन किए हैं। तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड डॉट एच है, यहाँ पे एक हेडर फाइल बनाते हैं, ठीक, हेलो हेलो वर्ल्ड डॉट एच, ठीक, हेडर फाइल का एक्सटेंशन जो होता है डॉट एच होता है। यहाँ पर आ गए, ठीक, यहाँ पर आए और यहाँ पर हम एक अपना एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, वाइड हेलो के अंदर लिखते हैं, लोग इसी को कॉपी करते हैं, इसको कंट्रोल से सेव करते हैं, इसको रन नहीं करना है, कंट्रोल से सेव कर दिए। अब इसमें आते हैं मेन फाइल में, और एक पहला जो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इसको रहने देते हैं और इसको चलाते हैं, इसको हटाते हैं कुछ देर के लिए, ठीक, ऐसे बना लिए। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है प्रिंट, यहाँ पर हम लोग इसका ये जो फंक्शन है इसको कॉल करते हैं, ठीक, यहाँ एक सेमी कोलन कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, जरा जूम कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में कहीं भी प्रिंट एफ नहीं लिखा हुआ है, ये जो हेलो आ रहा है इस हेडर फाइल से आ रहा है, हेडर फाइल का जो डेफिनेशन है इसमें लिखा हुआ है, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पर और कुछ फंक्शन बना सकते हैं, सपोज करते हैं वॉइड सम, और यहाँ पे एक दो यहाँ void sum int a और एक बनाते हैं हम लोग दूसरा integer b, ठीक, इसको बंद करते हैं और इसका जो डिफरेंस इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक, यहाँ पर लिखते हैं कि printf sum of percent d
एंड परसेंट डी इज परसेंट डी, ठीक। इसको लिखते हैं हम लोग ए कॉमा बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक। ये हो गया सम का, जो सम होता है इसका आ गया, ठीक। अब देखते हैं इसको मेन फाइल में कैसे ला सकते हैं, ठीक। यहाँ पे एक सम कॉल किए, यहाँ पे दो इंटीजर पास करते हैं 10 और 20, ठीक। कंट्रोल से सेव करते हैं, ये जो मेन फंक्शन लिखा रहा है इसका डेफिनेशन हेडर फाइल में है, इसको रन करते हैं। देखिए सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30 आ गया, ठीक। अब यही जो हेडर फाइल है इसी को हम लोग दूसरे जगह बनाएंगे, जिस तरह से आप हैश इंक्लूड ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट इस तरीके से इंक्लूड करना चाहते हैं वो कैसे लिखा है। पहले आपको जाना है प्रोग्राम फाइल 86 में, ठीक। इसमें आने के बाद आपको एक मिनजी डब्ल्यू दिखेगा कहीं, देखिए ये मिनजी डब्ल्यू है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, फिर इस पर डबल क्लिक किए, फिर यहाँ पर मिनजी डब्ल्यू 32 पर क्लिक करना है, फिर एल आई बी है इस पर क्लिक करना है, फिर जी सी सी पे, फिर ये एक फोल्डर है इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर 8.1.0 पे, इसके अंदर के आने के बाद फिर इंक्लूड है, पहला वाला इंक्लूड नहीं दूसरा वाला एफ इंक्लूड है, ये दूसरा वाला इंक्लूड है, ठीक। ज़रा जूम कर लेते हैं इसको, ये जो इंक्लूड है इस पर क्लिक करते हैं। इसमें आने के बाद आपको एक यहाँ फाइल बनाना पड़ेगा, ये जो अभी बनाए ना ये एक हेडर फाइल, तो हेलो वर्ल्ड डॉट एच को कॉपी करते हैं और इसमें आके पेस्ट करते हैं, हम लोग रिप्लेस करते हैं, ठीक। इसलिए हम पहले इसको बना चुके थे एक बार डेमो के लिए, इसलिए रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, आप में नहीं आएगा। तो देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट एच यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, ठीक। कंट्रोल सेव करते हैं इसको, अब आते हैं इसमें, अब देखिए इस लाइन को इसको रिप्लेस करते हैं, जरा देख लेते इसमें क्या लिखा हुआ है। ओपन विथ कोड, कंट्रोल सेव करते हैं, ठीक। अब जो हेडर फाइल इंक्लूड हुआ है जस्ट ऊपर वाले की तरह इंक्लूड हुआ है हेलो वर्ल्ड डॉट एच, अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल से सेव किए। अब जो आ रहा है ये लाइब्रेरी से आ रहा है, वहाँ पे फोल्डर से आ रहा है कंपाइलर, जिसका मिनजी डब्ल्यू कंपाइलर का जो फोल्डर है उसमें हमने पेस्ट किया है इसको, इसको रन करते हैं। देखिए अभी भी आउटपुट वही है हेलो वर्ल्ड 10 एंड 20, ठीक। इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, हंड्रेड करते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं, तो सम ऑफ 100 एंड 20 इज 120, ठीक। इस वीडियो में आपने यही देखा किस तरह हम लोग अपना एक हेडर फाइल बनाते हैं सी में। मान लीजिए दो तरीका बताया, पहले कि जिस फोल्डर में आप हैं उसी फोल्डर में डॉट एच एक्सटेंशन से एक फाइल बना लीजिए, उसमें डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक। जिस तरह से डेफिनेशन लिखा हुआ है ये, और इसको बस इंक्लूड करना है और इसको रन करना है। और दूसरा तरीका है कि आप इसको जाएं इस पाथ में, इस पाथ का जो ये जो पाथ है आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उस पाथ पर जाना है, ठीक। इसी पाथ पर जाने के बाद आपको जिस फाइल को पेस्ट करना है यहाँ पे, जैसे ही पेस्ट करिएगा यहाँ पे आप जिस तरीका से stdio.h को इंक्लूड करते हैं उसी तरह हेलो वर्ल्ड .h को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।